आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दशहरे पर, जहां एक तरफ रामलीला के आयोजन का अलग ही महत्व है तो वहीं रावण दहन का भी विशेष महत्व होता है। लेकिन कोरोना के कारण पिछले 2 साल से त्योहार पूरी तरह से मनाया नहीं जा पा रहा है। हालांकि इस बार DDMA ने जो गाइडलाइन जारी कर रामलीला और रावण दहन की परमिशन तो दे दी, लेकिन पिछले तीन चार दशक से रामलीला का आयोजन करने वाले आयोजकों का कहना है कि गाइडलाइंस इतनी सख्त है कि इस शक्ति के साथ ना तो रामलीला का मंचन किया जा रहा है और ना ही रावण दहन का कोई कार्यक्रम ही रखा गया है। उनका कहना है कि ये जानबूझकर आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि अगर रामलीला में जहां 500 लोगों को परमिशन दी जाती है, ऐसे में 100-200 तो रामलीला के कलाकार ही होते हैं। इन शर्तों के साथ कोई भी कमेटी इनका आयोजन नहीं कर सकती। आयोजकों का कहना है कि रावण दहन में तो एक और अड़चन डाल दी गई, पटाखों पर रोक लगाकर। इनके अनुसार ये लोग प्रदूषण रोकने के लिए सरकार के साथ होने की बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार से सवाल भी है कि सिर्फ एक दिन कि रावण दहन से ही प्रदूषण फैलता है, जबकि दूसरी तरफ सड़कों पर गाड़ियों से लगातार प्रदूषण होता है। इन आयोजकों का कहना है कि इन त्योहार से धार्मिक आस्था इतने लोगों की जुड़ी है और इस तरह रामलीला नहीं होने से उनकी आस्था को ठेस पहुंची है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अब तक लिए बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। इस तरह के अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल।